हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप पावर बटन से एप्लीकेशन को कैसे लॉन्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सेटिंग आपको नहीं पता होगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ये सेटिंग के बारे में आपको नहीं पता होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं पावर बटन होल्ड कर रहा हूँ और यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन हो रहा है। जी हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं ये सेटिंग के बारे में कि कैसे आप अपने मोबाइल के अंदर अनेबल कर सकते हैं, तो फिर ये वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम सितारे, आप देख रहे हो गटोगा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेटिंग को ओपन करना होगा। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको म्यूजिक की में जाना है, ठीक है। म्यूजिक की जाने के बाद दोस्तों आपको नीचे में आएंगे तो स्मार्ट ऐप लिखा हुआ, तो इसे का आपको अनेबल करना है, टिक मारना है यहाँ पे और सेटिंग में जाना है, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाती है कॉन्टैक्ट वगैरह, यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशन आपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल किए हुए थे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं क्रोम यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे चलिए मैं अब प्ले स्टोर को चूज कर लिया और सिंपल यहाँ पे बैक हो जाना, ठीक है। बैक होने के बाद यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ पावर बटन, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो चुका प्ले स्टोर। तो यहाँ पे फिर से मैं दिखा देता हूँ, होल्ड करिएगा पावर बटन को, होल्ड करके आपका प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये सेटिंग हर मोबाइल के अंदर शायद ही मिल पाएगा, अगर सेटिंग मिल जाती तो ठीक है, यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था क्योंकि दोस्तों मैं यूज कर रहा हूँ Lenovo K8 नोट यूज कर रहा, तो इसके मोबाइल के अंदर सेटिंग था, तो मैं आपको बताना था ये सेटिंग के बारे में। शायद ये सेटिंग आपके मोबाइल के अंदर हो जाती है तो देख लीजिए, आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो को एंड्रॉयड वाले फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए दोस्तों, टेक केयर एंड बाय।